अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि KFC और मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कि हर जगह पर रजिस्टर्ड है। उसी तरह सऊदी अरब की फूड चेन अल बैक के नाम से जो है वो 80 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रजिस्टर्ड भी है और सऊदी अरब में भी हर पेट्रोल पम्प पे और हर जगह पर उनके आउटलेट्स ओपन भी हैं। अब उसके CEO रामी अबू गजादा कहते हैं कि उनकी जो फिजिबिलिटी है अल बैक की वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब वो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी लॉन्च करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर। अल बैक का फ्राइड चिकन यहाँ पर भी दस्तयाब होगा जो कि सऊदी अरब का एक मशहूर ब्रांड है। प्लस उनका ये भी कहना था कि मंसूबा उन्होंने तैयार कर लिया हुआ है और पाकिस्तान के साथ अब वो काम करने के लिए टोटली रेडी हैं। सो अल बैक की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं या आउटलेट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर से पाकिस्तान में भी ओपन होंगी और जिन जिन को पसंद है वो ऑब्वियसली वो जाएंगे भी, क्योंकि सब लोग तो ऑब्वियसली नहीं गए हुए सऊदी अरब, लेकिन जो जो गया हुआ है उन्होंने इस खाने से लुत्फ़ भी उठाया होगा। और CEO ने अपनी कामयाबी का राज भी इस चीज़ में बयान किया है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत की वजह से कि उनकी इतनी ब्रांचेज हैं जो 80 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रजिस्टर्ड हैं और अब पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि अगर अल बैक पाकिस्तान में ओपन होता है तो क्या वो एक टफ़ कॉम्पिटिशन देगा यहाँ के बाकी ब्रांड्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल KFC, मैकडॉनल्ड्स और जितने भी मशहूर ब्रांड्स हैं, क्या उनका फ्राइड चिकन उनको मात देगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।